नमस्कार, आपके साथ में हूँ रेशम खान और स्वागत है आप सभी का N27 न्यूज में। G20 को लेकर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक चैनल से बातचीत में चीन को कड़ा संदेश दिया और उन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अनाप शनाप दावे करने से दूसरों के इलाके आपके नहीं हो सकते। उन्होंने कहा भारतीय क्षेत्रों को अपने मैप में दिखाने की चीन की हिमाकत को लेकर पूछे गए सवाल पर जयशंकर ने कहा कि ऐसा करना उनकी पुरानी आदत रही है। अक्साई चीन और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है, वही हमारी सरकार का रुख देश के हिस्सों को लेकर बेहद साफ है। उन्होंने कहा कि चीन का बातचीत का मुद्दा अलग है, नक्शे अलग है। पहले भी चीन नक्शे निकालता रहा है, चीन के दावे से कुछ नहीं होता, वो इलाके भारत का हिस्सा है। दरअसल चीन ने 28 अगस्त को अपने स्टैंडर्ड मैप के 2023 संस्करण को जारी किया था। इसमें भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपना क्षेत्र बताया है। वहीं इसमें साथ ही ताइवान और दक्षिणी चीन सागर पर दावे समेत अन्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है। वहीं आपको बता दें भारतीय क्षेत्र पर चीन के दावे का भारत ने कड़ा विरोध जताया है। आपको बता दें विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि हमने चीन के तथा कथित स्टैंडर्ड मैप पर डिप्लोमेटिक चैनल के माध्यम से विरोध दर्ज कराया है जो भारत के क्षेत्र पर दावा करता है। हम इन दावों को खारिज करते हैं क्योंकि इनका कोई आधार नहीं है। ऐसे कदम केवल चीनी पक्ष के सीमा प्रश्न के समाधान को जटिल बनाएंगे। आपको बता दें कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी चीन के नए नक्शे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मैं वर्षों से कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि लद्दाख में एक इंच जमीन नहीं गई, ये सरासर झूठ है। पूरा लद्दाख जानता है कि चीन ने हमारी जमीन हड़प ली है। वही एक चैनल से बात करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि मैप की बात बड़ी गंभीर है लेकिन चीन ने जमीन तो ले ही ली, उस बारे में भी प्रधानमंत्री को कुछ कहना चाहिए। आपको बता दें भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के सुर में सुर मिलाए हैं। वहीं विदेश मंत्री के बयान का समर्थन करते हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि विदेश मंत्री जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, दूसरे की सीमा को अपना बताना चीन की पुरानी आदत है, लेकिन अब हम उन पर पलटवार क्यों नहीं करते? आखिर क्यों हम उनकी वन चाइनी पॉलिसी का समर्थन कर रहे हैं? आखिर क्यों हम तिब्बत के नागरिकों को स्टेपल्ड वीजा जारी नहीं करते? थरूर ने कहा कि हम चीन का विरोध कई बार कर चुके हैं लेकिन अभी तक हमने उसको उचित जवाब नहीं दिया है, हमें उनको उचित जवाब देना चाहिए। वहीं गौरतलब है कि चीन का लगभग अपने सभी पड़ोसियों के साथ सीमा विवाद चल रहा है, चाहे वे भूटान की जमीन पर अपना दावा जताना हो या फिर वे भारत पर अपना हिस्सा बताना हो, या इन सब के अलावा वे जापान के साथ भी सीमा विवाद पर हैं। वहीं ताइवान को भी वे आए दिन अपना हिस्सा बताता रहता है। तो अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे N27 न्यूज। आप देख रहे हैं N27 न्यूज, पकड़ हर खबर पर।